ये आपका विधि विभाग में है, राय आने के बाद हम एक घंटा लेट नहीं करेंगे। हम लोग कुछ प्रोसेस है ना, कुछ नियम है ना, नियम के तहत ही काम होगा ना, ने जो आएगा वाला भी ये कर दो, ऐसा होता है क्या? रघुवर दास सरकार का पाप हमें ढोएंगे? उसमें कहन क्या था, ये 2016 की बात है, 19 महीना छोड़ दीजिए। इन लोग को बात करना चाहिए ना, जिसका जो विभाग है वहाँ बात करना चाहिए, मेरा विभाग का चीज़ें नहीं, कार्मिक विभाग। नमस्कार, जगन्नाथ महतो मंत्री के यहाँ बिन बुलाए मेहमान कुछ आए हैं जो अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, कल रहे हैं। विभाग के मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, हम लोगों ने काफ़ी ईश्वर से दुआ की थी तब ऐसे मंत्री मिले हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम कह रहे हैं कि मृत्यु दे दें। जगन्नाथ दा, आपके आवास के बाहर 626 छात्र बैठे हुए कह रहे हैं नियुक्ति नहीं तो मृत्यु, दोनों में से एक चीज़ दिला दें। देखिए, नियुक्ति का प्रोसेस है और मृत्यु का भी प्रोसेस है, समझे ना, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम 3 बार बात की लोग से, कानून की बात कहे, कानूनी बात बताए, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इस तरह कोई भी आदमी आ जाएगा? कल BRP है, बहुत तरह का संघ है कि हमको नौकरी दीजिए ना तो मरेंगे यहाँ, तो ऐसा संभव है क्या? ये लोग को बार बार समझा रहे हैं कि आपका विधि विभाग में है, राय आने के बाद हम एक घंटा लेट नहीं करेंगे, तुरंत कर देंगे, तो उसके बाद भी समझने वाला नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? है कि सुप्रीम कोर्ट जब कह दिया उससे विधि विभाग कहाँ ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि नियुक्ति पर रोक नहीं है, तब तो अब मनसा पे सवाल उठ रहा है सरकार। सुप्रीम कोर्ट का बात, सुप्रीम कोर्ट कहाँ बोला इनको दे दीजिए? कहाँ बोला सुप्रीम कोर्ट की रोक के रखिए नियुक्ति? कहाँ बोला कि दे दीजिए? तो लोग तो कहा कि रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं बोला है, देने के लिए भी नहीं बोला है, तो आपका मनसा पे सवाल उठ रहा है, मतलब आप देना नहीं चाह रहे? हम लोग कुछ प्रोसेस है ना, कुछ नियम है ना, नियम के तहत ही काम होगा ना, ने जो आएगा वाला भी ये कर दो, ऐसा होता है क्या? हम लोग 19 महीना से ऊपर से हैं ना दादा, कितना इंतजार करें? रघुवर दास सरकार का पाप हमें ढोएंगे? उसमें कहन क्या था, ये 2016 की बात है, 19 महीना छोड़ दीजिए। तो कह रहा कि हिस्ट्री से भी इसको छोड़ के सबका ज्वाइनिंग वहाँ हो गया था, तो बाकी बचेगा तो यही ना करेंगे? करेंगे तो उसका प्रोसेस में है, लगा हुआ है, प्रोसेस में आएगा तो होगा। कि ठीक है, कोई टाइम दे दे, डेट दे दे कि फलना साल में फलना, इस बार इस साल को आप लोग नियुक्ति वर्ष घोषित किए हैं, 4 महीना बाकी है, बोल रहा है कि टाइम दे दीजिए कि इतना टाइम के बाद आप लोग को नियुक्ति दे देंगे। बिना समझे बुझे क्या टाइम दे देंगे? विधि विभाग से जो आप राय ले रहे हैं तो उसमें कोई टाइम लिमिट दिए कि विधि विभाग को इतना समय में दे देना? हमने नहीं मांगा विधि विभाग, कार्मिक विभाग मांगा है, और विभाग कोई टारगेट विधि विभाग का सलाह नहीं दे सकता है, ये भेजा है वो भेजेगा। तो कोई टाइम बाउंड नहीं है कि विधि विभाग इतना समय में कार्मिक को अपना सुझाव दे देगा या मंतव्य दे देगा? हम भेजते तब ना, ये कार्मिक विभाग भेजा है, कार्मिक विभाग से इनका फाइल गया हुआ, फाइल आएगा मेरे पास आएगा, हम एक घंटा नहीं रोकेंगे। तो कह रहे कि मुख्यमंत्री जी से जगन्नाथ जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कार्मिक और विधि तो दोनों उन्हीं के पास, उन इन लोग को बात करना चाहिए ना, जिसका जो विभाग है वहाँ बात करना चाहिए, मेरा विभाग का चीज़ें नहीं, कार्मिक विभाग, कहीं जाए कोई बढ़ जाएगा तो उनसे बात कीजिए। एक बार तो आया बोला डायरेक्टर से बात कीजिए, कर दिए, दूसरा बार आया सेक्रेटरी से बात कर दिए, तीसरा बार आया तो महाधिवक्ता से बात कर दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। अपने विभाग मेरे अंडर, हम उसको जिस तरह बात कर सकते हैं, जैसे गलत सजेशन देंगे तो हम नहीं मानेंगे,
लेकिन कार्मिक विभाग के मालिक हम नहीं हैं। कार्मिक विभाग का जो मालिक है उनसे गार्ड होता है।